वाह वाह, सही जा रही है, बिल्कुल सही जा रही है। अभी बुलाता हूँ लाल बादशाह को, तुझे ठीक करेगा वो। हेलो, कैसे हैं आप सब? आज हम बात करने जा रहे हैं स्टायरोफोम की, पॉलीस्टायरीन की, इनसे बनी हुई चीज़ों की। तो चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि यार इसके अंदर कैंसर होता है। जो तुम मजे से चाय पी रहे होते हो ना इनके कप के अंदर, और कुछ लोग तो चबा रहे होते हैं, भुक्कड़ साले खाना नहीं खाते इसको चबा जाते हैं, कुछ लोग रहना है तेरे दिल में वाला सीन करने की कोशिश करते हैं। वाह वाह, तू भी इंजीनियरिंग करके एमबीए करने चले जाएगा, मैं समझ रही हूँ तुझे। अब कुछ लोग यार सोचते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है पॉलीस्टायरीन या थर्मोपोलिस से, क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, टाइम बॉम्ब है तुम्हारी बॉडी के अंदर। तुम्हें अभी पता नहीं चल रहा, तुम बड़े रिलैक्स फील कर रहे हो कि मेरी लाइफ बड़ी इंजॉय में चल रही है, कुछ नहीं है, बड़ी टेंशन फ्री लाइफ है। लेकिन किसी दिन इत्तेफाक से तुमने यूरिन टेस्ट कराया है कि यार कहीं मुझे डायबिटीज़ तो नहीं हो रही है, तब जाके तुम्हें पता चलेगा कि भाई मेरे अंदर तो काफ़ी सारे मसले आ गए हैं। डिप्रेशन, हेडेक, फटीग, वीकनेस, किडनी हल्की सी ख़राब होगी, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी हल्की सी ख़राब होगी। और अगर तुम बताओगे ना घर वालों को, यार मुझे वीकनेस हो रही है, घुटनों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, तो कुछ और ही शक करेंगे कि पता नहीं बेटे के साथ क्या हो गया है, कि क्या कर रहा है हमारा बेटा आजकल अपने कमरे के अंदर। मैं बस तुम लोगों को इतना बताना चाह रहा हूँ कि भाई क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर तुम लोग चीनी के कप में या ग्लास के कप में चाय पी लोगे। ये कप भी बुरे नहीं हैं अगर इनमें तुम पीना चाहो, प्लस तुम्हारी ये ज़िंदगी थोड़ी और बढ़ा लेंगे। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें मरने का जल्दी कुछ ज़्यादा ही शौक़ है, तो इन जैसों की वीडियोस तुम लोग देख लो, यूट्यूब पर भरी पड़ी हैं। कसम खुदा की, कोयला खुद पिघलता हुआ आएगा तुम्हारे पास कि नहीं। तो यार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ताकि हम फिर मिल सकें किसी नए टॉपिक पे। खुदा हाफिज़।